सुबह नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुबह नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड मैम एंड टीचर्स, माय नेम इज शिक्षा उपाध्याय। आज हम आप लोगों को 22 दिसंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स दिवस है, तो इस बारे में क्यों मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि कहा जाता है, एक इंडियन पहले एक छोटी सी स्टार्टिंग करते हैं। इंडिया मतलब जीवन का बचपन में इन्होंने एक कक्षा में क्लास समाप्त हो गया था, उसमें डिवाइड बढ़ाया जा रहा था। तो वही एक टीचर ने कहा बच्चों से कि बच्चों अब आप लोग बता सकते हो कि अगर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे बहुत खुश होकर कहते हैं सर 1 आएगा। तब फिर ये उसी क्लास में एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि सर क्या 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या 1 ही आएगा। तो सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो फिर बाद में इनको बताया जाता है, इनको वहाँ समस्या का समाधान नहीं दिया जाता है और इसकी खोज 0/0 = ∞ आया था। ये हजारों साल लग गए थे कृतज्ञों को खोज करने में। तो गाइस तो यही एक पीछे स्टोरी थी इनकी, और ये कोई नहीं, ये हैं श्री रामानुजन। तो इनके बारे में जैसे कि इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर तमिलनाडु के ईरोड नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था श्रीनिवास अय्यर और माता का नाम था कमला तोमर। और इनके जो पिता थे ये एक कपड़े की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे और इनकी माता जो थी वो एक हाउस मेकर थी। तो इनका ये जैसे कि खोज करना या आविष्कार करना तो बड़ी बात होती है, लेकिन इनके लिए ये गरीबी के चलते बहुत कम वर्ष में इन्होंने बहुत सारे जैसे 3900 के फ्रॉक्स इन्होंने इन्वेंशन किए थे। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि जिंदगी लंबी होनी चाहिए। तो इनके बारे में और एक छोटी सी स्टोरी इनके बारे में बताया जाता है कि ये बचपन में एक बार ये ऐसे कुछ सॉल्व कर रहे थे, एक इंस्पेक्शन करने के लिए कोई अधिकारी आया था। तो उन्होंने देखा कि एक पेज पड़ा है और वो स्कूल लेवल, क्योंकि वो स्कूल था कॉलेज लेवल का था ही स्कूल, तो फिर उसमें वो एक पेज पाते हैं तो उनको लगता है कि ये इस लेवल का है नहीं, तो फिर इसे कौन सॉल्व किया है। तो फिर ये ढूंढते ढूंढते वो जाते हैं एक क्लास में, देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो दीवार से एकदम चिपका हुआ मैथ सॉल्व कर रहा है। तभी उनको पता चल जाता है कि तभी वो जाते हैं उस बच्चे के पास और पूछते हैं उनसे कि क्या बेटा आपने इसको सॉल्व किया है। तो कहता है कि हाँ सर मैंने इसे सॉल्व किया है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो जाता है, तभी से उनको लग जाता है कि ये जरूर वास्तव में जब बड़ा होगा तो एक विद्वान बनेगा। तो जैसे कि उनकी बचपन से ही छोटी छोटी बातें उनको धीरे धीरे विद्वता की ओर लेकर गई। और वो जब बचपन में एकदम छोटे थे तो उनको कहा जाता है कि उनका जो समान विकास है वो ठीक से नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको 3 साल में बोलना प्रारंभ किए थे। तो उनके घर वालों को चिंता हो रही थी कि कहीं ये बच्चा गूंगा तो नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो 10th में जाता है और मैथ के प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मैथ के हर एक सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करता रहता था। फिर बाद में उनको 10th में बहुत ज़्यादा उनको मतलब नंबर मिलता है, अच्छे नंबर से वो पास हो जाते हैं, जिसके कारण ये सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। फिर इसके बाद ये होता है कि मैथ उनके साथ एक छोटा सा धोखा कर गया कि इतना ज़्यादा लगाव था हमेशा हर एक सब्जेक्ट के बजाय वो मैथ को ही पढ़ते थे, हर एक टाइम अपना मैथ पर ही मतलब लगाते थे। तो इसके कारण वो अपने मतलब करियर में फेल हो जाते हैं पहली बार। फिर उसके बाद इनको जो स्कॉलरशिप मिलता था वो भी बंद हो जाता है, अब नहीं मिलता है। अब इनके पास इतनी गरीबी थी, पैसा था नहीं, फिर ये आगे चलकर सोचते हैं कि अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी, वही पढ़ाई स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब बस डिग्री वाली पढ़ाई स्टॉप होती है, बाकी माइंड से वो हमेशा कंटिन्यू करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद ये 3-4 साल से बहुत कठिनाइयों से इनका गुजरता है। फिर उसके बाद ये एक ये भी क्लर्क की जॉब पाते हैं, फिर वहाँ करते हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको टाइम मिल जाता था कि वो अपने मैथ के लिए समय निकालते थे, वो रात भर जाग जाग कर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। फिर उसके बाद ये ऐसे दिन बीतता गया। फिर उसके बाद इनको पता चला प्रोफेसर हार्डी के बारे में, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है उसके प्रोफेसर रह चुके थे। तो इनके बारे में इनको जब पता होता है तो ये 120 फार्मूला लिखते हैं प्रोफेसर हार्डी के लिए। तब जब प्रोफेसर हार्डी उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि पहले वो तो इग्नोर कर देते हैं कोई इंडियन देश है, क्योंकि उस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में था, मतलब गुलाम था। तो उस समय किसी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर इन्होंने 120 जो फार्मूला लिखे थे, तब फिर जो प्रोफेसर हार्डी को जो टाइम मिलता है वो देखते हैं कि इन्होंने इतना सारा मतलब लिखा, तो उनको लगता है उनको बहुत सारी चीज़ ऐसे वो सूत्र लिखे रहते हैं खुद हार्डी को नहीं पता रहता है। तब उनको लगता है कि वास्तव में इनको नॉलेज है, तब वो इंग्लैंड में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बुलाते हैं। फिर उसके बाद जब
जैसे 1729, 1729 को अगर जैसे कि हम 10 की घात क्यूब और 9 की घात क्यूब करते हैं तब भी आ जाएगा, और 12 की घात क्यूब यानी 1728 प्लस 1 की घात क्यूब करते हैं तब भी वही आएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या है, यानी कि ये बीमार रहते थे तब भी इनका मतलब जो दिमाग था वो बीमार कभी नहीं हुआ, वो हमेशा सोचता रहता था। और फिर इनके मतलब इनके सम्मान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक मूवी बनी थी, द मैन हू न्यू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट के बारे में भी इनको जानकारी। अब इन्होंने इसका नाम मतलब इनफाइनाइट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो योगदान किया था अपने देश के लिए या कुछ भी जो इन्वेंशन किए थे तो उसमें से 60% इनका ऐसा था कि वो इनफाइनाइट से रिलेटेड था, यानी इनफाइनाइट फ्रिज में वो फॉर्मूले लगाए जाते हैं। और इनके सम्मान में एक अवार्ड भी दिया जाता है, अभी 2020 में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, वो इसराइल के जेरूसलम में एक इवा शाही इवा करके एक व्यक्ति है उनको दिया गया था, ये इनके सम्मान में ही दिया जाता है। और फिर इनके बारे में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हैं, और कहा जाता है कि जो ये श्री रामानुजन हैं ये मतलब हमेशा वही फिर कि बहुत ज़्यादा हमेशा वो अपनी पढ़ाई से लगा मतलब उनका लगाव था। और फिर उस अगर हम इनकी बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा बीमारी भी मतलब बीच बीच में हो जाया करती थी, तबीयत बीच बीच में खराब हो गई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए थे। फिर 1920 में इनकी डेथ हो जाती है 32 वर्ष की अल्पायु में। फिर लास्ट में हम अपने वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियाँ गाना चाहूँगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।